नमस्ते दोस्तों, आज बहुत सारे त्यौहार हैं। ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही है, चाहे वो कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हों। मुझे लगता है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है, हम क्या सीख पा रहे हैं? अब देखिए, इसराइल का एग्जांपल ले लीजिए, मात्र कुछ लाख लोग हैं उस देश में, लेकिन हमने जैसे पिछले कई सालों में देखा, अगर 6-7 देश भी एक साथ अटैक कर देते हैं उन पर, सबको एक एक को लोहे के चने चबा देते हैं वो। अब भी जिस कॉम्पिटेंस से वो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई अपोजिशन वहाँ भी है खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहाँ तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहाँ नहीं डाल रहा है। ये हम लोगों को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इस देश पर या तो कोई आपत्ति आए, चाहे युद्ध आए, चाहे महामारी, कुछ भी आए, कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे बंदर मदारी का तमाशा देखते वैसे साइड में खड़े हो जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ये देश खत्म हो, गिरे और वो इस चीज का तमाशा देखें और मजे उठाएं। अब जैसे हमने कोरोना काल में ही देखा, एक एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को बुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहाँ गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग हमारी पीठ में छुरा, यहाँ के वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है, वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए, ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से विनती करती हूँ कि प्लीज इसराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, जिन जिन किताबों में, जिस जिस धर्म के किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि उस धर्म के ही लोग तुम्हारे अपने हैं, वही इंसान है, बाकी गाजर मूलियां हैं, उसको निकालिए उन किताबों में से। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई, कुछ भी हैं आप लोगों के लिए सर्वोपरि धर्म होना चाहिए भारतीयता का। हमारा आपका जो संबंध है इस देश के नागरिकों को, वो सर्वोपरि होना चाहिए। इंसानियत का नाता सर्वोपरि होना चाहिए। किसी किताब में ये लिखी हुई बात क्या आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, बस एक दूसरे का जो धर्म एक ही धर्म का होता है वही मान, वो बात झूठ है, उसको मत मानिए आप। हम भारतीय एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं और हम साथ में जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद।